दूसरे चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहिए मोदी और योगी जो MY फैक्टर है बीजेपी का, उसने इस चुनाव को एक नए धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो उसके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि वो देश भर में संपत्ति का एक्सरे करवाएगी, वेल्थ का और फाइनेंशियल उसका एक्सरे करवाएगी, सर्वे करवाएगी, और उसके बाद जहां ज्यादा होगा वहां से लेके बांट देगी, वहां कहां मुसलमानों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को, आदि आदि। अब इसी नैरेटिव को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर और शार्प कर दिया और धारदार कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा में थे, तो अमरोहा में उन्होंने सवाल उठाया मंच से कि अगर देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है तो हमारा पिछड़ा कहां जाएगा, दलित कहां जाएगा, आदिवासी कहां जाएगा, किसान कहां जाएंगे, महिला कहां जाएंगी, और गरीब हिंदू कहां जाएगा। अब यहां से लड़ाई थोड़ी और एक धारदार पिच पर चली गई। नरेंद्र मोदी जी आज राजस्थान में थे, राजस्थान से उन्होंने भी इसको एक इसमें एक नया पंच भी डाला अपनी इस लाइन में, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक चार बार ये कोशिश की है कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हिस्से के आरक्षण में से काटकर मुसलमानों को दे दिया जाए, लेकिन न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण कांग्रेस यह संविधान विरोधी कृत्य कर नहीं पाई, उसको अमलीजामा नहीं पहना पाई। अब मोदी ने इसको आरक्षण से भी जोड़ दिया। अभी तक मोदी पर आरोप, भाजपा पर आरोप लग रहा था कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, अब नरेंद्र मोदी ने नया नैरेटिव उछाल दिया। योगी ने जहां एक तरफ नैरेटिव उछाला कि अगर पहला हक मुसलमानों का होगा देश की पूंजी पर तो दलित, आदिवासी, पिछड़े कहां जाएंगे, तो योगी मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस SC ST और आदिवासी समाज को मिलने वाले आरक्षण में से कटौती करके मुसलमानों को देना चाहती। मोदी ने ये आरक्षण को लेकर भाजपा पर जो आरोप कांग्रेस और बाकी दल, इंडिया अलायंस के दल लगाते हैं, और बार बार कहा जाता है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, उसको ध्वस्त करने के लिए उस नैरेटिव को नरेंद्र मोदी ने आज ये तुरुप का इक्का चला, और उन्होंने चार उदाहरण दिए कि चार बार कांग्रेस ने ऐसी कोशिशें की कि आरक्षण उधर कर दिया जाए, इधर से काट के। अब ये दो चीजें, एक अगर मुसलमानों का ही सारा हक है तो फिर गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये कहां जाएंगे, ये लाइन नीचे तक असर करती है। दूसरा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, जबकि संविधान इसकी मनाही करता है, दलित और पिछड़ों के आरक्षण में कटौती करना चाहती है, यह भी खतरनाक लाइन नीचे तक जाती है, और इनके ऊपर एक अम्ब्रेला नैरेटिव कि कांग्रेस और उसके सहयोगी अगर सत्ता में आए तो घर घर एक्सरे करेंगे संपत्ति का, मोदी जी के शब्दों में कहें तो कनस्तर में भी अगर कुछ छुपा के रुपया रखा होगा माता बहनों ने, उसको भी एक्सरे में पकड़ लेंगे, ये लोग एक्सरे करेंगे और एक्सरे के बाद बांटेंगे वहां। अब चुनाव इस पर आ गया, दलित को लगेगा कि मेरा आरक्षण छीनना चाहती है
क्या कांग्रेस भाजपा ने इस पिच को आगे बढ़ाया है? आदिवासी दलित पिछड़े इनको लगेगा कि अगर सारा हक मुसलमान का है तो हम चूक जाएंगे पीछे। और शायद भाजपा की कोशिश ये है कि देश में हर घर में ये फीलिंग जाए कि अगर कांग्रेस आई तो मेहनत से उसने अपने घर में जो मकान बनाया है, जो खेती की ज़मीन ली है, जो मोटरसाइकिल ली है, जो ट्रैक्टर ली है, इन सब की जांच पड़ताल करने सरकारी मुलाजिम आएंगे और रिकॉर्ड बनेगा, एक्सरे होगा, फिर संपत्ति छीन ली जाएगी। ये जो भय है ये जितना नीचे तक जाता जाएगा कांग्रेस के लिए उतनी ही चुनावी मुश्किलें होती जाएंगी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आप मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, बंची करे न काज। एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने ये, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। लोकसभा चुनाव के रण में दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी के बयान से निकली चिंगारी अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे की तपिश भी बढ़ा चुकी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने जेवर और संपत्ति के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा था। सीएम योगी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर मठ मंदिरों पर भी है। ये धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर, बहन बेटियों की, माताओं की, स्वयं की संपत्ति पर, और किसी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की है उस पर अभी लोग डकैती डालने की कुछ से चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर मुस्लिम वाले एंगल पर आरक्षण का दंगल सजा दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है। एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। चुनावी बिसात पर बीजेपी ने मुद्दों का रंग ही बदल दिया है। जेवर, गहने, संपत्ति, मठ मंदिर के मुद्दे को तूल देकर तासीर बदलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पीएम के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी कांग्रेस ने फिर पलटवार किया है। चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, या भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता हो, उनके भाषणों में के विजुअल देश के सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने ये, वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो महंगाई नहीं खत्म करना चाहते, वो बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, वो देश के युवाओं के हालात नहीं बदलना चाहते बल्कि संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने संसद बदल दिया। दूसरे चरण के इस दंगल में विपक्षी दिग्गज भी अपना अपना दांव चल रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सभी अपने अपने मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें।
बहरहाल दूसरे चरण के चुनाव से पहले छिड़ी इस चिंगारी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ध्रुवीकरण की धुरी पर विपक्ष का संकट थोड़ा विकट हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक मंगलसूत्र, मुस्लिम और मठ मंदिर के जिस मुद्दे को चुनावी पिच पर लाए हैं, उससे किसे नफा और किसे नुकसान होगा। मंगलसूत्र, मंदिर, मुस्लिम, इस पिच पर आ गया चुनाव। अब नफा नुकसान किसका होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये 4 जून को पता लग जाएगा, लेकिन चुनाव बहरहाल इस पिच पर आ गया। और जिस आरक्षण के मसले पर इंडिया गठबंधन का हर छोटा बड़ा नेता भाजपा को घेरने की कोशिश करता था, आज नरेंद्र मोदी ने उस नैरेटिव को पलट दिया और उन्होंने उस आरक्षण के नैरेटिव को मुस्लिम पर लाकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो दलित, पिछड़े और ओबीसी को जो संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है उसमें से कटौती करके मुसलमानों को देना चाहती है। अब ये नई बहस शुरू हो गई। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अशोक पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अशोक जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता, राज भाई का बहुत बहुत स्वागत है। ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, ए के मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत। ए के मिश्रा जी, चुनाव चला तो कुछ और दिशा में था, लेकिन अब आ दूसरी दिशा में गया। अब ट्रिपल एम पर आ गया ये, मंगलसूत्र, मंदिर और मुसलमान नहीं। और आरक्षण के जिस नैरेटिव पर मोहल्ले से लेकर और दिल्ली तक का विपक्ष का नेता भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसकी धुरी ही घुमा दी भाजपा ने। अब मसला ये हो गया कि पिछड़े और दलितों का हिस्सा काट के मुसलमानों को दोगे क्या? नरेंद्र मोदी ने सवाल लिए खड़ा कर दिया और योगी ने सवाल लिए खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में कि अगर सारा पहला हक मुसलमानों का है तो पिछड़े, दलित और आदिवासी कहां जाएंगे? मिश्रा जी। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं, पार्टियों को मैं बोलूंगा कि चुनाव है, अच्छे तरीके से लड़िए, किसी को ये महसूस ना हो कि मैं बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ। बीजेपी ने जो आज बोला है, मैं बीजेपी को लानत भेजता हूं। मेरी शिकायत है कि ये चीज इनको 2014 में बोलना चाहिए। ये मुद्दा चुनावी नहीं है, इनको बहुत पहले उठाना चाहिए। ये मुद्दा ऐतिहासिक है और हजारों साल पुराना। पंजाब वगैरह में आप रहे हो या बंटवारा के पहले, तो वहां एक कहावत थी, जो खा लिया, जो पी लिया, वही तुम्हारा है, नहीं तो तैमूर लंग लूट के चला जाएगा। लूट ये बदस्तूर जारी है, हजार साल से ये लूट बदस्तूर जारी है। मॉडर्न में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का बंटवारा एक राजनीतिक लूट थी। कांग्रेस ने क्यों मान लिया? क्यों कांग्रेस ने उस वक्त बोला, विरोध भी नहीं किया और चुपचाप मान लिया? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अडानी के बारे में आई थी, मेरी टाइटल ये थी, मैंने ये बोला कि हिंदुस्तानियों का धन पहले मुगल लूटते थे, जो लुटेरे आते थे, आज की डेट में राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से लूटा जाता है। अडानी के धन को जम के लूटा गया, वो अडानी का धन नहीं था। अडानी बेईमान हो, ईमानदार हो, हमारी संस्थाएं समझेंगी, हम समझेंगे, कोई बाहरी नहीं, बाहरियों ने जम के लूटा मॉडर्न तरीके से। वक्फ बोर्ड बन गया, ये लूट है, ये वाकई में लूट है। और ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, उतना डिटेल में मत जाइए मिश्रा जी। अभी सिर्फ विषय इतना है, इतिहास में नहीं जाना, विषय सिर्फ इतना है कि चुनाव अब इस धुरी पर आ गया, अब आगे कैसे चलेगा, किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अभी आज का विषय। आएंगे दोबारा में। राज शर्मा जी, कांग्रेस ने लगातार इस बात को उठाया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस प्रचार में थे, लालू जी से लेकर अखिलेश यादव तक। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने सवाल उठा दिया कि भाई 4 अटेम्प्ट तो कांग्रेस कर चुकी, दलित और आदिवासी और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण संविधान प्रदत्त है उसमें कैंची चला के इधर मुसलमानों को देने का उन्होंने 4 अटेम्प्ट गिनाए। बोले 4 में इसलिए नहीं कर पाए कि अदालतों ने अंकुश लगाया, लेकिन कांग्रेस ने मंशा छोड़ी हो ये नहीं। क्या आपको लगता है ये नैरेटिव आपको नुकसान करेगा?
मैं आपको एक चीज बता दूं जी कि आज देश में इसमें दो राय नहीं कि पहले 2014 में इन्होंने जो बोला था उस पर यकीन किया गया, लेकिन आज इन पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये मान लिया गया है लोगों ने कि प्रधानमंत्री जी कभी भी काम की बात नहीं करते, सिर्फ इनका काम झूठ बोलना है। ये जो बोल दें आप यकीन मान लिया, अगर ये आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है जब ये कहेंगे मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है तो लोगों को डाउट होने लगेगा। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई कि मैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलूं, मगर क्या मजबूर कर दिया, मुझ जैसे साधारण आदमी को भी मजबूर कर दिया। मेरी एक फिर कह रहा हूं मेरी उम्र है, मैंने कभी किसी को प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहते नहीं देखा था। एक मेरे देश का प्रधानमंत्री रिजर्वेशन की बात करे, फिर कहे मंगल सूत्र दे देंगे। अरे ये जानना चाहिए भाई कि अगर किसी बहन का पति मरता है, अगर उसका भाई मंगल सूत्र हटाता है तो आंखें मीच लेता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कैसे कह दिया कि तुम्हारा मंगल सूत्र लूट लिया जाएगा। महिलाओं में आक्रोश है, औरत का मंगल सूत्र, एक कहावत है ना प्रधानमंत्री जी आप क्या जानो मंगल सूत्र की कीमत। अरे जरा सा बोल रहे हो आप, मैं कहता हूं इलेक्शन जीत लो भाई, लेकिन कम से कम कुछ सिद्धांत तो बने रहने दो। ये क्या मतलब है मंगल सूत्र बेच देंगे मुसलमान को दे देंगे। मैं आज भी दावे के संग कहता हूं उसको 1,00,000 रुपए इनाम है। मैं आपके चैनल में कहता हूं मनमोहन सिंह जी का पूरा वो लेक्चर बताना, मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है राजभाई, रुकना होगा। ठीक है ठीक ठीक ठीक, मैंने गए जोशी जी के पास आऊं उससे पहले एक बार अशोक जी आएंगे पर एक बात कह दूं ताकि बहस भ्रमित नहीं हो। मैंने कल भी कहा था इसी विषय पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी योग्य व्यक्ति हैं, उनके 2006 के इस वक्तव्य पर बार बार विवाद होता है, उनको मुकदमा कर देना चाहिए डिफेमेशन का, नहीं उनके बिहाफ पर चिदंबरम फाइल कर दें, सलमान खुर्शीद फाइल कर दें, राज शर्मा से बुलवाओगे, राज शर्मा बोले कुछ होगा, वो लोग कुल्फी खा के बैठे हैं क्या, उनको करना चाहिए मुकदमा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो आप भाई, आपका वक्तव्य कांग्रेस के गले में घंटी बन रहा है तो मुकदमा करिए, और नहीं तो मानिए कि हाँ ठीक है मौनम स्वीकृति लक्षणम, मनमोहन सिंह कहां है उनके ब्याह पर दूसरा कैसे बोल रहा है। ये नहीं, इस समस्या यहीं पर है। मनमोहन सिंह ने भी लोग मुंह में दवाई बोले आग बंद करो, बोले निपटने दो कांग्रेसियों को, हमारे साथ भी कौन अच्छा किया। ये जो भाव है ना, करे मैं अब जूझो, हम तो चले एक लौंग मुंह में दबा ली, बोलेंगे नहीं, बोले लौंग खा रहे हैं, तब तक चुनाव नहीं बढ़ जाएगा। आपके खड़गे जी के बोले थोड़ी ना कुछ होगा, अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसा बोला, अरे खंडन मंडन अमिताभ अग्निहोत्री करेंगे, केशव पाण्डे की से होगा, मनमोहन सिंह जी है ना, नहीं बोल रहे, इसलिए उस विवाद में ज्यादा न पड़ो। और एक बात बार बार कही जाती है कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं, भाई जो लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसे भी 10-12 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में हैं, वो क्या होनोलुलु का मुद्दा उठा रहे हैं, नहीं ना, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि मैं बता दे रहा हूं आखिरी चुनाव है फिर वोट नहीं पड़ेगा। किसने उनको बताया ये? कांग्रेस की आपत्ति इस पे है कि प्रधानमंत्री आरक्षण पर क्यों बोल रहे हैं, गजब बात है। खटगे जी इस बात पर, राहुल गांधी इस बात पर कैसे बोल रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, वो क्या कारपोरेटर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं ना, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर रहे। जोशी साहब, बार बार एक नैरेटिव था कि भाजपा संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी दलित और पिछड़ों का। प्रधानमंत्री ने आज उदाहरण देकर बताया कि 4 बार कांग्रेस ने अटेम्प्ट किया एससी एसटी ओबीसी के को जो आरक्षण संविधान ने दिया है उसमें से कैंची मार के कट लगा के मुसलमानों को देने का, लेकिन अदालतों के हस्तक्षेप के कारण दे नहीं पाई। ये मामला तो वो मोटरसाइकिल और मंगलसूत्र से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया, नहीं
क्योंकि आरक्षण का ताप तो आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं जोशी साहब। अमिताभ जी, 10 साल का शासन आदरणीय मोदी जी का देश ने देख लिया है और 10 साल का आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देख लिया है और देश के लोग बुद्धिजीवी हैं और हमारे ये कहावत है कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो कंपैरिजन हो जाएगा अगर उन्होंने ऐसी कोशिश करी होगी 10 साल में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो मोदी जी को वोट मिल जाएंगे और अगर ऐसी कोशिश 10 साल में नहीं होगी तो मोदी जी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। और ये तो पूरे देश के चैनलों में सांसद इनके बोल ही रहे, मेरठ के भी हमारे सांसद लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बोल रहे हैं कि अगर हमें आपने सांसद बना दिया तो हम लोग देश का संविधान बदल देंगे। और हमने अभी देखा है चंडीगढ़ में, देखा है पूरे देश ने देखा, देश को शर्मसार होना पड़ा। तो निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में आ गई तो एक चंडीगढ़ नहीं पूरा देश चंडीगढ़ बन जाएगा, ये बात के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि पूरे देश को चंडीगढ़ बना देंगे। क्योंकि वहां तो कैमरा लगे थे, पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन भ्रष्टाचार में तो इनका जवाब नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो और बहुत सारे भ्रष्टाचारी अब तो इन्होंने शामिल कर लिया है, तो एक से एक पीएचडी है और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, भ्रष्टाचार के सब इनके साथ आ गए हैं। माननीय अच्छी टीम बनाई है, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ अमिताभ जी, आपकी मुस्कान का तो मैं दीवाना हूँ, मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने भ्रष्टाचार की एक ऐसी टीम बनाई है, 11 से भी ऊपर है लेकिन मेंबर, क्रिकेट के खिलाड़ी 11 ही होते हैं लेकिन उन्होंने सारे बना दिए, हो सकता है ट्रेनिंग में उनमें से सिलेक्शन करें। तो निश्चित तौर पर अभी चुनाव जो पहली बार का जो फेस का चुनाव हुआ है ना, उससे जो निराशा मिली है भारतीय जनता पार्टी को, ये उसी की नजर है कि गरिमामयी पद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी उस भाषा पर आ गए। ठीक है जोशी जी, बड़ी मुश्किल है, चुनाव जब लड़ने आए हैं तो क्या अखिलेश यादव, क्या नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी, क्या खड़गे, क्या पवार, क्या लालू यादव चुनाव लड़ने आए हैं? भाई आप लोग ये चाह रहे हो, मैं विपक्ष किसे के अक्सर सुनता हूं कि देखिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये चाह रहे हो कि हम बोले तुम चुप रहो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी और खूब ललकारती थी, अच्छे से धुलाई करती थी, अच्छे से धुलाई करती थी और कई बार धुलाई, और एक बार तो धुलाई करते करते जेल में डाल दिया था सबको, बोले इनके सोटे मारो 20-20। जोशी जी ने कहा कि अशोक जा रहे हैं, जोशी जी ने कुछ बातें कही, मैं एक ही बात कहूंगा कि देश में आखिरी चुनाव है, ये कौन नजूमी बताया, ये चुटकुला क्यों चलाया, कोई माइका लाल है जो चुनाव खत्म कर देगा? और ये चुटकुला बकेवर से लेके और बदायूं तक, बेंगलोर से लेके बंबई तक नहीं चला रहे हो क्या? चला रहे हो ना, किसने बताया, किसने कहा देश में आखिरी चुनाव है? और एक बात डॉक्टर साहब ने कही, प्रोफेसर साहब ने, कि वो क्या नाम है उसका, अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, उनने कहा, अब तो अरुण गोविल सांसद नहीं है अकेले, खैर चलिए मान लिया एक सांसद हो भी जहां जीत जाए, तो राजीव जी का एक वीडियो है, अब तो घर घर रिश्तेदारी हो गई सपा कांग्रेस की, राजीव जी का एक पुराना वीडियो है तैर रहा है, जोशी जी सुन लेना फुर्सत में, मोबाइल पे भी मिल जाएगा, राजीव जी कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो संविधान को भी बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो संविधान को भी बदलेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उनका लड़का कह रहा है संविधान को बदला तो आग लग जाएगी, फायर, क्या कर रहे हो यार? इंदिरा गांधी ने कहा कि इस देश में आग लगाओ जात पात में, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा गांधी ने नारा दिया। जोशी जी सुन लो, आपकी रिश्तेदारी है, अब तो मामला समझाने का इसलिए बता दें, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब वहां इंदिरा जी का नाती क्या कह रहा, ऐसे लेके जेट तक जात पर ही बात करूंगा। तो जब एजेंडा सेट करिए तो उसका उत्तर तो आएगा ही आएगा। अशोक पांडे जी, दो चीजें मुझे दिखाई दे रही, भाजपा को लग रहा था कि आरक्षण के मसले पर, संविधान के मसले पर, चूंकि विपक्षियों ने जो अपना सेट किया था एजेंडा, उसमें आरक्षण, संविधान और बाबा साहब, ये तीन शब्द रखे थे,
आरक्षण संविधान और बाबा पूज्य बाबा साहब, एक तो उसका काट नरेंद्र मोदी ने किया कि भाई ये तो दलित तो पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को देने जा रहे हैं, अब लड़ो जिले जिले गांव गांव निपट सुलझो। और दूसरा जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल घरों की ही संपत्ति जब्त नहीं करेगी, वो हिंदू मठ मंदिरों की संपत्ति भी जब्त करना चाहती है, उसकी ओर भी उसकी नजर है। ये एक नई लाइन खींच गई, एजेंडा किधर ले जा रहे हैं भैया पांडे जी? देखिए आपको बता दें, ये तो सच है कि कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पे, मनमोहन सिंह जी ने, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं, आपको याद होगा। और ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम सबसे ज्यादा, परिसर के उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। इस मुल्क में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो आपातकाल लगा के श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जिसमें नेताजी मुलायम सिंह भी जेल में थे, लालू यादव भी जेल में थे, 22-20 हजार रुपया लोकतंत्र सेनानी का सपा वाले ले भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं और लोकतंत्र भी बचा रहे हैं, बड़ी अच्छी आती है। सजा याफ्ता की बात कर रहे थे, इनके यहाँ सजा याफ्ता चारा चोर और जड़ से सनातन को उखाड़ने वाला स्टालिन और सीधे सीधे शराब माफिया जो जेल में है केजरीवाल, उसको साथ में लेके ये लोग राजा हरिचंद बन रहे हैं, बड़ी हंसी आती है। सजा याफ्ता लालू यादव, हम विचाराधीन की बात में नहीं करता, उसे लेके ये झमाझम बता रहे हैं लोकतंत्र की हत्यारीन दीदी के साथ खड़े हैं और बता रहे हैं लोकतंत्र को बचाएंगे, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पे अभी जो एक्सरे करने की बात इन्होंने की है, एक कम्युनिस्ट के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलने लगी है। रशिया में एक बार यही हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आएगा, लोगों का धन लेके गरीबों में बांटा जाएगा, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। आज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत से खत्म हो गई, कांग्रेस पूरे भारत से खत्म हो गई, हो जाएगी, लेकिन वामपंथी लाइन पर चलने लगी, ये दुर्भाग्यजनक। एके मिश्रा जी, जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि हम देश में जो संपत्ति है, जो एसेट है और जो फाइनेंशियल वो है, उसका उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था एक्सरे कराएंगे, ये एक्सरे कैसे होता है? नहीं, हड्डी वाला तो पता है, इसका हमको इतनी जानकारी नहीं, कैसे होगा? मैं बताता हूँ जी, इसका एक्सरे बहुत आसान होता है और इसका एक लाइव एग्जांपल है एक्सरे कैसे हुआ। कर्नाटक में जैसे ही इनकी सरकार बनी, मंदिरों पे मठों पे टैक्स का नया स्लैब लग गया, ठीक है। इसी तरीके से कि मान लीजिए कोई बाहर जा रहा है धर्म यात्रा के लिए विदेश में, तो वो आपके ऊपर एक सेस लग जाएगा जी कि 1% 0.5% आपको सेस देना है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बाहर जाएंगे अपने धर्म यात्रा पे जाएंगे, वो बर्डन आप बियर करेंगे। तो एक्सरे ऐसे ही लगेगा, सारा रिटर्न भरा जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, आपने कितनी कमाई की, कैसे, देखिए एक चीज बता दें, आप कितनों तिजोरी में ताला बंद करके रखिए, चोर जो है कहीं ना कहीं से पता लगा लेता है ना कि भाई किस घर में ज्वेलरी रखी है, कब पैसा रखा है, और उसी में वो सेंध करता है। पुराने जमाने में जब सेंध लगती थी तो एग्जैक्ट उसी कमरे में लगती थी जिसमें ज्वेलरी रखी रहती थी। अब देखिए एक्सरे गजब के एक्सरे हैं, तो इनके पास एक्सरे की कमी नहीं है। और अगर आप डिटेल जाएंगे तो मैं बताऊंगा, ये देखिए राहुल गांधी अगर ये बोलते कि भाई जो लोग कमजोर हैं आर्थिक रूप से किसी भी जाति के, हम ऐसी योजनाएं लाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कि उनकी इनकम बढ़ेगी, अपने पैरों पे खड़े होंगे और वो भी अच्छे धनी बनेंगे, तब तो मैं मानता कि ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। आप क्यों ताक झांक करेंगे जी, आप क्यों एक्सरे करेंगे? अब प्राइवेसी की बात नहीं है यहाँ पे, ये लोग चिल्लाते हैं कि जी हमारे प्राइवेसी का मैटर है, हम थंब इंप्रेशन नहीं देंगे, हम आधार नहीं बनवाएंगे। अब आप एक एक आदमी के इनकम और उसके बहुत
प्राइवेट असेट्स जो होते हैं, जो आदमी गरीबी में मजबूरी के लिए रखता है छुपा के, जो किसी से नहीं बताता है, आप उसका एक्सरे करवाएंगे? तो ये प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया गया है व्यक्तिगत प्राइवेसी की, ये उसका हनन नहीं है, ये तो खुल्लम खुल्ला हनन कर रहे हैं। राहुल गांधी ये बोलते कि हम मनरेगा की स्कीम को और अच्छा चलाएंगे, उसमें बढ़ा देंगे 25% ताकि सब मजबूत हो, तो समझ में आता जी। राज शर्मा साहब, आपसे भी समझ लूं, अच्छा कैसे होगा एक्सरे? मान लो ननकू के यहाँ कैसे होगा एक्सरे? कोई मशीन जाएगी, पुलिस वाले जाएंगे, लेखपाल जाएगा, पटवारी जाएगा? मैं बड़े कारोबारियों के एक्सरे की बात नहीं कर रहा, उनके यहाँ तो इनकम टैक्स CBDT EBDT वाले कर लेते हैं, लेकिन ननकू के यहाँ तो कुछ नहीं लिखा पड़ी, उस कैसे एक्सरे होगा पूरे देश का? मैं समझना चाह रहा हूँ एक्सरे कैसे होगा, और फिर एक्सरे में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बंटवारा कौन फाइनल करेगा कि इधर से निकालो, इधर जाओ, जाने दो आने दो? नहीं बोलते जब ट्रक को पीछे पार्क कराते तो कहते आन दो, तो ऐसा कौन बोलेगा आन दो? नहीं, ये नहीं है जो आप समझा रहे हैं, और ये अशोक पांडे जी समझा रहे हैं, ये नहीं है। पहले तो मैं अशोक पांडे जी से पूछ लूं, आज कौन सी डायरी लाए हो? लाल, पीली, नीली, हरी, वह उसी को बोल रहे हैं। अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं, मिश्रा जी ने बहुत जब कह दिया कि आज ये मुद्दे नहीं है, इसमें डिस्टर्ब करना, तो हंस के आ रहे थे। एक मैच्योरिटी का वो दीजिए, कोई नेता मैच्योरिटी नहीं दिखाता है। चलिए अब मैं बताता हूं, उन राहुल जी का कहने का मतलब है, वाकई सही बात है, आज मेरे जैसा जो नॉर्मल इंसान है वो दुखी, या तो सबसे नीचे वाला तबका खुशी है या सबसे ऊंचे वाला। राहुल जी का कहने का मतलब ये है कि जब पैसा फ्लोटिंग सही से होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी सही से चलेगी। एक के पास 200 रुपए और एक के पास 2 रुपए तो अर्थव्यवस्था वैसी खराब चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ये बताने के लिए, भाई हम ये कर रहे हैं, अच्छा काम हमने ये किया और अच्छा काम हम ये करें। दिन भर रोने से काम नहीं चलेगा। और ये राहुल जी का जो गलत मतलब निकाल के बोलना है, मैं अब अच्छा नहीं लगता, मेरे से उम्र में बड़े हैं। पंडित जी आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान हो, कि आप भी जो इंटरप्रिटेशन करते हो वो भी थोड़ी सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि नहीं, राज भाई एक मिनट छोड़ो राहुल गांधी, आपने जो कहा उसी पे एक सवाल पूछ लो, अभी रुक जाओ भाई मिश्रा जी, आप उस राहुल गांधी छोड़ो, आप इसने जो कहा उसी सवाल पूछ लो। एक के पास 200 करोड़, एक के पास 2000, ये नहीं चलेगा राहुल गांधी चाहते, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। क्या करोगे 200 करोड़? अरे रुक जाओ भाई, दो ही स्थितियां हैं, 200 करोड़ वाले के कान के नीचे चटाक कंटाप मारो और उससे कहो तू भी 2000 पे आ जा, जल्दी आ, बाकी हमको ला। एक रास्ता, दूसरा रास्ता, अरे रुक जाओ भाई, इतना अधीन क्यों? ये दूसरा रास्ता, 2000 वाले को हम 200 करोड़ वाला बना देंगे, तो रोडमैप बताओ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। राहुल गांधी कहे और चाहे प्रियंका गांधी कहे, रोडमैप दो ना, 2000 रुपए वाला 200 करोड़ वाला कैसे बनेगा? आप सुन भी तो लिया करिए ना, मैंने तो आपसे, आपने जो कहा उसी पर प्रश्न पूछा। देखिए एक मिनट, आप, मैं बोल रहा हूं, ये कंटाप मारने का नहीं चल रहा है, कंटाप घर में नौकर को नहीं मार सकते आप, कैसी बात कह रहे हैं आप? बात यहां ये नहीं है कि किसी के छीनने हैं पैसे, बात यह कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पहले जिले में ठेकेदारी होती थी, अगर बिजली का मीटर भी लगना है तो जिले का ठेकेदार लगाता था, अब इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया कि आपका 200 करोड़ का टर्नओवर होगा, आपको ठेका देंगे। इस ठेकेदारी की प्रथा से आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है, ये यहां छीनने का मसला नहीं हो रहा, कि आपने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि ऐसा है, ये किसी ननकू को कंटाप नहीं मारा जा रहा है, ना किसी सुलेमान का। ठीक है राजभाई, रुकना होगा राजभाई, रुकना, मैं जोशी जी के पास चलूं, वो भी प्रोफेसर है, विद्वान व्यक्ति हैं। जोशी जी, बड़ा कंफ्यूजन है, कहा रोड नई संख्या, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बता देते हैं, कहीं कहते 200 लोगों के हाथ में 80% है, कहीं कहते 300 लोगों के पास में 90% है, कहीं कहते 100 लोगों के हाथ में 80% है संपत्ति। अब वो खटाखट मोड में है राहुल जी, ये भी दिख, वो कही रहे हैं खटाखट करूंगा, एक बटन से गरीबी दूर। अब ऐसा तो सुलेमान लुकमान के पास भी नहीं था फार्मूला, लेकिन राहुल जी लाए, तो फिर ये सवाल तो उठेगा, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, जो भी राहुल गांधी ने गिने देश में, कि उनके पास 70-80% संपत्ति है,
उनके बराबर पूरे देश को खटाखट मोड से कौन ले जा सकता है? क्या फरुखाबाद, एक सेकंड रुक जाओ, क्या फरुखाबाद में हम गुड्डू समोसे वाले को 1,00,000 करोड़ का आदमी बना देंगे या 1,00,000 करोड़ के आदमी को गुड्डू समोसे वाले में तब्दील कर देंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो कोई कानून नहीं हो सकता कि जिन्होंने ज्यादा सफलता प्राप्त की उनसे कहा जाएगा कि नहीं आप अपना ट्रिमिंग कराओ, हैसियत छोटी करो। बेहतर यह नहीं होता जोशी जी कि यह होता कि जो लोग कमजोर हैं वो आगे बढ़ेंगे? अभी जोर मुझे इस बात पर दिख रहा है कि वो 100 लोग ढूंढने जाएंगे, 200 लोग ढूंढने जाएंगे, 300 लोग ढूंढने जाएंगे। ढूंढने की जरूरत नहीं, सबके पता है जोशी जी। अमिताभ जी जी, लोग भी चिंतित है जो 10 साल में कौन सी स्थिति में थे आज देश की प्रमुख अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वो मित्र थे। अब मित्रों के लिए तो नहीं होना ही चाहिए, कृष्ण भगवान ने भी करा मित्रों के लिए, तो ये मान लिया जाए मोदी जी तो कृष्ण भगवान के भी आजकल भगवान है। तो आज वो लोग तो चिंतित हो गए, देश उनको जानता है कि पहले आज अब हवाई अड्डा बाद में बनता है और मित्र को पहले पसंद आ जाता है, ये भी आजकल आम विषय है। तो किन लोगों ने 10 साल में जो संविधान, जो हमारे हमारी जो चीजें थी उन चीजों पे सबसे पहला हक उनको दिया गया, वो भी देश ने देखने का काम करा। लेकिन लड़ाई आज ये थी, लड़ाई है आज जिसमें ये लोग फंसे हुए हैं वो है 6,986 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जो डंडा चंदा और धंधे का एक नया भ्रष्टाचार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फला फूला है। तो उसकी बात हो रही है कि आज कैसे इन्होंने गौ माता के जो मांस बेचने वाले थे उनसे भी चंदा लेने का काम कर, ये जो गौ माता की बात करने वाले लोग थे, तो बात तो करते हैं लेकिन चंदा लेने में कोई गुरेज नहीं, और उन उन कंपनियों को जिनका कंपनियों का अस्तित्व नहीं उनसे भी चंदा ले लेते। तो ये तो आज जो भ्रष्टाचार की आड़ हुए हैं उनको जवाब देना। और रोजगार, महंगाई तो उनके लिए मुद्दा है नहीं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में उसकी बात है नहीं, क्योंकि घर घर में रोजगार दे चुके हैं परीक्षाएं लीक कराकर, तो ये तो अब कहीं मुद्दा है नहीं। आत्महत्या करे युवक करे चाहे चाहे या युवती करे यूपी पुलिस की, चाहे कन्नौज का लड़का करे, वो इनके लिए मुद्दा। ठीक है जोशी जी, ठीक है जोशी जी, आगे दो बातें कहूंगा, फिर अशोक पांडे जी से प्रश्न करूंगा। जोशी जी, 52 में पहला चुनाव हुआ, तब से लेके आज तक क्या, चाहे मुलायम सिंह लड़े हों, चाहे कल्याण सिंह, चाहे जवाहरलाल नेहरू और चाहे नरेंद्र मोदी, क्या हर चुनाव गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, पानी, बिजली पे ही होता है? इसलिए हमको ये ना समझाओ कोई कि अब की मुद्दा ये है, कौन से चुनाव में मुद्दा नहीं रहा? 3.5 दशक से तो मैं चुनाव कवर कर रहा हूं फील्ड में, हर चुनाव में यही मुद्दा रहता। और क्या जापान मुद्दा रहेगा भारत में? हर आदमी आता नई बिल्कुल तेवर के साथ, कहता अब की मेन मुद्दा ये है। मुझे याद आ जाता कि वो अशरफ जो मारा गया था वो कह रहा था मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम है, इस भाव शैली में बताया जाता। अरे भाई, ये तो मुद्दे हमेशा रहे, नेहरू जी के समय से रहे, तब क्या हुआ? खैर, दूसरी बात जोशी जी ने, के जोशी जी विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, वो शायद राजनीति के व्यवहारिक रंग नहीं जानते, वो सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, सिद्धांत तो जानते हैं, व्यवहारिक पक्ष राजनीति का शायद नहीं जानते, ऐसा मुझे लगता है। जोशी जी, इस नोएडा में जहां मैं बैठा हूं, एक कारोबारी थे, विप्र कारोबारी, क्या वो मित्र थे आपकी सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय? तो नोएडा में कोई भी निर्णय होता था वो उन्हीं की तरफ से होके जाता था, क्या ये सच नहीं? वो आज भी हैं, क्या ये सच नहीं? इसलिए ये सब व्यवहारिक सच है, इनको मानिए, और इनमें बहुत ज्यादा उलझने में फिर क्या परतें खुलती हैं तो स्थितियां खराब होती है। अशोक पांडे जी, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि विपक्षियों ने कहा कि संविधान बदल देगी भाजपा, अव्वल तो संविधान 126 बार बदल चुका, संविधान में संशोधन का मतलब संविधान में बदलाव होता है ना, और संविधान में बदलाव नहीं होगा यह तो कहीं लिखा नहीं।
संविधान और कुरान में अंतर है? वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से यह बात तो बाबा साहब कह के गए थे संविधान सभा में कि आने वाली पीढ़ियां वक्त और जरूरत के हिसाब से इसमें तब्दीली कर सकेंगी। क्या ये कुरान है जिसे देखो वो हाथ में डंडा लिए है, करा संविधान बचाना है? कहां कोई संविधान कोई रुपया पैसा आके कोई चुरा के ले जाएगा, एक विषय। और दूसरा विषय जो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस आई तो आपने दो बातें कही, एक के मंगलसूत्र ले जाएगी और दूसरा कहा कि ओबीसी एसटी एसटी का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देगी। क्या अब आगे के जो 6 चरण हैं चुनाव में अब इसी पिच पर चला जाएगा? बात तय हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कई बार लोकतंत्र का गला घोटा अपने फायदे के लिए। इस मुल्क के संविधान की चित्ती चित्ती 150 से ऊपर बार अगर किसी ने संशोधन किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। साहबानों प्रकरण में जब फैसला उस बेसहारा महिला के समर्थन में आता है तो संविधान में संशोधन होता है। ये अपने फायदे के लिए कांग्रेस कायदा छोड़ती रही। इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने लोकतंत्र का गला घोटा तो कांग्रेस पार्टी ने ही घोटा। उसमें सारे नेताओं को जेल भेजा, पत्रकारों को जेल भेजा। की बात को राक्षस भी नहीं करता है ये जो आप लोग करने लगे हो। शर्म नहीं आ रही थी? आदमी की आंखें बंद हो जाती है मंगलसूत्र लूटने में। बड़ा बड़ा डकैत मंगलसूत्र छोड़ देता है औरत के आगे। कई प्रकार खड़े उतार लेगा, अंगूठी उतार लेगा, चेन उतार लेगा। आपके नेता तो शर्म शाम उतार रहे, झूठ बोलते में भेजने वाले। शर्म नहीं आ रही? ताराशाही लोग हैं। मंगल सूत्र की बात करते हैं, जानते हो की बात करो। अरे पाप के भोगी बनोगे अगर मंगल सूत्र की बेइज्जती करोगे। कॉकरोच का जन्म होगा, लोग आपको ईंट से मारा करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, ये पाप के भोगी हो गए हो। आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से। मंगल सूत्र मंगल सूत्र मंगल सूत्र, शर्म नहीं आ रही आपको? पितामह पहनते तो झूठ मत बोला करो। अरे ये गेंदा पहनते हो गुरु, आप भी झूठ बोला दे। पाप चढ़ेगा अगला जन्म फिर कितना होगा? शर्म नहीं आ रही? मंगल जानते हो पानी जी पहले वो दिखाओ डायरी को, झूठ बोलते हो। कहिए माफी मांगे देश से, प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगे मंगल सूत्र की बेइज्जती करी, नारी की लाश की बेइज्जती करी। शर्म नहीं आई? आपका अगला जन्म कॉकरोच का होगा। देश की महिलाओं विपक्ष नहीं रहने देगी मुल्क की जनता। ये कायदे के विपक्ष नहीं रह जाएंगे। इस चुनाव में देखते रहिए, मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, संवैधानिक पद वाले लोगों को कन्हैया कुमार से गाली दिलवाते हैं। ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अशोक भाई को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, भाजपा कांग्रेस दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। एके मिश्रा जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जिसको भी बड़ा माने, वहां से लेके और मोहल्ला सुधार समिति तक का विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है कि भाई साहब आपको पता है संविधान खत्म हो रहा है, अब चुनाव नहीं होगा क्या? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मैं कह रहा था ना अब चुनाव नहीं होगा, सूरत में देख लो क्या हुआ, अब वोट नहीं पड़ेगा कभी जिंदगी में। मतलब मैं समझना ही चाह रहा हूं कि मोदी अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आके संपत्ति का एक्सरे करेगी और फिर उस संपत्ति को ऐंठ लेगी सरकार, फिर दूसरों में बांट देगी जहां चाहेगी, तो उनके पास कम से कम कांग्रेस का मैनिफेस्टो का आधार है जिसमें कुछ शब्द हैं ऐसे। ये कहां से बात आई कि अब चुनाव नहीं होगा देश में कभी?
ये तो कहीं किसी के मैनिफेस्टो में, एनिफेस्टो में कहां, कहीं कोई वक्तव्य, कोई सरकारी नोट, कोई कैबिनेट प्रपोजल कहीं कहीं। अमिताभ जी, हाँ, बहुत गंभीर प्रश्न है। देखिए, जो एक्सरे वाली बात है, ये एक लाइन में ही मैं बोल दूंगा, हजारों साल पहले विदेशी भी यहाँ आए तो यहाँ का एक्सरे करके आए थे। दूसरी चीज जो आपने बोली, विदेशी भी यहाँ आए थे तो यहाँ की धन दौलत का एक्सरे करके आए थे, ये वही परंपरा अभी जारी रखना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि इनको ये क्यों लग रहा है कि भाई आगे से चुनाव नहीं होगा और इस तरीके से, तो इसमें बार बार, अब ये अगर कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट होता ना तो ये बताता, बार बार हारने के बाद, कई मुद्दों पे पिटने के बाद, फिर वो साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, आदमी भयाक्रांत हो जाता है। अगर ये बोलते हैं कि अगली बार चुनाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो लोग ये बोल रहे हैं उनके मन में बैक ऑफ द माइंड ये बैठा हुआ, जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, आप तो हमारे तरफ के हैं समझते होंगे, बाबू यानी पिताजी से हम बहुत डरते थे कि जरा सा शाम हुआ हमारे बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर घर हम देर से पहुंचे तो पिटाई होगी, वो सेफ्टी के लिए होता था। ये इन लोगों के मन में ये बैठ गया है, ये इतने भयाक्रांत हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट होगा तो उसकी बात मानेंगे, ये अपनी, चलिए आप हार गए मानिए, हम हार गए या जीत गए, लेकिन ये बोलना कि अब चुनाव नहीं होगा, इसका मतलब है कि इनके, बीजेपी के कैंपेन का असर इनके दिमाग पे बहुत गहरे पड़ा हुआ है जिससे ये उबर नहीं पा रहे हैं। इनको इलेक्ट्रिक का झटका दिया जाए तब जाकर के फिर से सारी चीजें। ठीक है जोशी जी, इस बात का जिसको अखिलेश जी से लेके और राहुल गांधी तक सब बोल रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा, खड़गे जी तो कह रहे मैं लिख के दे दूं अब चुनाव नहीं होगा, तो इसका बेसिस क्या है, कुछ रहस्य उद्घाटन करिए। आप इतने बड़े नेता बोल रहे हैं तो कुछ तो आधार लिया होगा या मन की मौज में चल रहा है। देखिए, अभी मिश्रा जी भी कह रहे थे और आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने करा जी, वो क्या था, वो भी भ्रष्टाचार नहीं था? तो अभी जी मेरे को, अमिताभ जी, मुझे लगता है अगर आप इसको भी भ्रष्टाचार नहीं बनता तो मुझे लगता है मेरा आपके यहाँ नहीं, देश में चुनाव नहीं होगा इसका बेसिस बताओ मुझे, जो बात सब नेता बोल रहे हैं इसका आधार क्या है, किस इसका कोई लिखा पड़ी होगी ना कि मन की मौज में हो जाएगा जी। मैं उसी का आधार बता रहा हूँ जी, और हम बोल रहे हैं इनके पार्टी के कम से कम आधा दर्जन लोग बोल चुके हैं कि इसके बाद हम लोग संविधान को बदलेंगे, और पूरे जोशी जी एक मिनट, आप प्रोफेसर हो, आप केवल नेता नहीं हो, 126 बार संविधान बदल चुका, संविधान कुरान नहीं है, इस बात को आत्मसात कर लीजिए, 126 बार बदल चुका भाई। अमेंडमेंट अलग होता है, देखिए मैं लॉ ही पढ़ाता हूँ, अमेंडमेंट कहते हैं उसको, अमेंडमेंट कहते हैं, मैं लॉ ही पढ़ाता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा विषय दे दूं, अब मेरे को ज्यादा मौका नहीं चाहिए होता और उनको दीजिए, और लगा लीजिए परिपाटी क्या है, इतनी बात तय हो गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगल मिशन पे काम कर रहे हैं कि 2024 तक अगर जीत गए हम तो पूरे देश को चंडीगढ़ बना दूं। ठीक, ये एक केवल ट्रायल था, ठीक, ये ट्रायल फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, हमें और आपको न्याय मिल गया, ठीक, ये तो अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई, हाँ, सुप्रीम तो कोर्ट अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी है जोशी जी, इसलिए मन हो ना नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो ना निराश करो मन को, निराशा नहीं, ना दैन्यम ना पलायनम, आत्मबल के साथ लड़िए। राज शर्मा जी, मैं वही जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप लोगों के अवचेतन मन में भय बैठ गया है क्या, जैसे बुजुर्ग आदमी बहुत लंबे समय से बीमार हो, जब भी अस्पताल जाता है तो मोहल्ले वालों से कह के जाता भैया अब लौट के ना ही आई है क्या, ये भय होता है उसके मन में क्या, ऐसे बुजुर्ग लोग जाते हैं ना, तो उनसे पूछो तो कहते लला अब मिल ले, अब देख ले, तुम्हें छू ले, अब कहां आपका लौट के आई है, ये जो एक भाव है ना लोकमानस में, क्या वैसा कोई डर बैठ गया है, क्योंकि ये बात तो किसी की गले नहीं उतर रही, पानी पीने के बाद भी गले नहीं उतर रही कि देश में अब वोट नहीं पड़ेगा, इंदिरा गांधी की हैसियत नहीं हुई वोट बंद करने की, किसकी होगी। अब मैं एक बात जी, अब आपने जब कह दी तो मैं कह दूं, मिश्रा जी ने कहा तो मैं मिश्रा जी से कहता हूं कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो, इतना भी बायस होना अच्छा नहीं है,
बोलिए, तरफदारी लीजिए, लेकिन देश को मिसगाइड ना करिए। आप ही की बात देखिए, जो बात हमारे दिमाग में नहीं गई प्रोफेसर साहब की गई। आपने भी कम से कम 20-22 बार कहा कि कानून 126, संविधान 126 बार बदला गया। हमारे भी नहीं दिमाग गए क्योंकि हम प्रोफेसर नहीं थे। प्रोफेसर साहब ने बता दिया अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होना कोई इतना नहीं है, चल जरूरत के हिसाब से आदमी थोड़ा बहुत बदलता है, अपने घर का नक्शा बदल लेता है, तो ये चलता है। बस मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, सारी बातों का निचोड़ ये है कि वो अशोक पांडे जी एक बात बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने, बस मुझे एक बात का जवाब चाहिए, संविधान बदलना मेरा काम नहीं है, बड़े सरकार जिसकी होगी सब देख लिया जाएगा। मंगल सूत्र की बात करने की मजाकत कैसे हुई? यही सवाल पूछ रहे थे। अब यही मंगा दीजिए आप। अरे रुक जाओ भाई, इसमें टिको तो। अरे कांग्रेस की यही दिक्कत, 5 मिनट नहीं टिकती अपनी बात, रुक तो हिटले के मारा करेगा। ठीक, अब रुक जाइए, ठीक राजबाबू, अब रुक जाओ। पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे मित्र प्रोफेसर जोशी ने कहा कि वो हमने जो किए वो अमेंडमेंट थे, नहीं मिश्रा जी अब नहीं आएंगे, कि वो हमने जो किए वो अमेंडमेंट थे। राज शर्मा भी उत्साहित हो गए, बोले ये असली बात आई निकल, कोई असली बात नहीं आई। अंग्रेजी में अमेंडमेंट, शुद्ध हिंदी में स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन, एटा इटावा फरुखाबाद गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक संविधान में बदलाव, समझ गए ना? हमको ना समझाओ महाराज, हम घासिल नहीं क्या? अजब अजब ज्ञान दे रहे हो। संविधान में बदलाव, संविधान के अनुच्छेद में बदलाव, संविधान की धारा में बदलाव, संविधान में अमेंडमेंट, यही है ना? और क्या है, गजब करते हो। इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव नहीं किया, वो लूडो खेल रही थी। 100 बार इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय में, आपको पता है राज शर्मा जी संविधान में सबसे पहला बदलाव कब हुआ था? जोशी जी को याद नहीं होगा शायद, नहीं तो वो ऐसा थोड़ा पिच कम रखते। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, नया नया संविधान था, ताजा ताजा संविधान था, उसमें भी बदलाव कर दिया। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी का मसला उनको खटक रहा था, कुछ अखबार और मैगजीन्स पर मुकदमा करना चाहती थी सरकार, बदल दिया था संविधान, तब नहीं निकले थे मोमबत्ती लेके। और मेरा तो पहला और आखिरी प्रश्न यही है पूरे देश में, क्या संविधान कुरान है? अगर हां तो पहले नेहरू से लेकर और राजीव गांधी मनमोहन सिंह तक ने उसमें इतने संशोधन क्यों किए? तो सवाल उठेगा ना, जिसको आज आप बता रहे हो कि उसको कोई छुएगा तो आग लग जाएगी, तो उसमें इतने संशोधन क्या लग ही से किए थे क्या? बिना छुए कर दिए तो? अशोक पांडे जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई बाकी सब चलो ठीक है, बहस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मंगल सूत्र की बात क्यों कही और कैसे कही? देखिए आपको बता दें, राहुल गांधी जी जिस तरह से एक्सरे कर रहे हैं, कांग्रेस का जो चरित्र रहा है निश्चित तौर पे वही अलोकतांत्रिक पार्टी है जिसने इस मुल्क में तानाशाही स्थापित की थी, तो निश्चित तौर पे जब एक्सरे कराएंगे तो उसमें माताओं का मंगलसूत्र भी भेज देंगे। महिलाओं को बड़ा रो रहे थे, अपनी जवान विधवा बहू को रात को 12 बजे 6 महीने के वरुण गांधी के साथ सड़क पे निकाल दिया, वो कहाँ जाएगी बहू, उस पर चिंता नहीं हुई। तब इनका जन्म चमगादड़ का नहीं हो रहा था, हमको तो दूसरा जन्म दे रहे थे, उस समय इन्हें शर्म नहीं आई थी। महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, अपनी बहू को विधवा बहू को रात को 12 बजे 6 महीने के बेटे के बलून के साथ सड़क पे निकाल दिया था। अरे साहब, दूसरा देश होता तो देश निकाला हो गया होता इन लोगों का। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, नेताजी स्वयं जेल में रहे हैं, उनके बेटे न जाने क्यों इनके साथ खड़े हैं। हालांकि राव एक बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस को कभी वोट मत देना, उनका वीडियो सुनाया जाए अखिलेश यादव जी का, अरुण अरविंद केजरीवाल भेज रहे थे जेल सीधे सीधे, उन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, उधर शराब चुरा कर जेल में चले गए। मेरा कहना है इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है,
ये दो चेहरे वाले लोग हैं, इसलिए निश्चित तौर पे इस देश के सशक्त विपक्ष भी नहीं रह पाएंगे इस बार, ये सही है। अशोक पांडे जी ने एक बहुत पुराना प्रसंग उठा के लिए बहुत पुराना प्रसंग उठा दिए, याद दिला दिया। ये तो उन्होंने बता ही दिया कि मध्य रात्रि थी, वरुण गोद में थे, मेनका जी का होल डाल अटैची बाहर रख दिया गया, कहा घर से निकलो, प्रधानमंत्री निवास से। और एक बात और जोड़ दो, वरुण तेज बुखार से भी तप रहे थे उस वक्त जब उसकी मां को घर से निकाल दिया गया था। वो तो भला हो खुशवंत सिंह आए और मेनका की मां आई तो ले गई, फिर वो कथा प्रसंग फिर कभी। नारी सशक्तिकरण, नारी स्वतंत्रता, नारी सम्मान, बड़ा ऐसे सब आंदोलनों पर सेमिनार करने वालों को इस दृश्य पर भी बोलना चाहिए। इंदिरा जी सास भी थी, प्रधानमंत्री भी थी देश की, दोनों दृष्टि से यह अनुचित था। क्या आपने अपने कितने दिन हुए थे संजय गांधी को मरे, गोद में बच्चा और आपने बाहर फेंक दिया निकाल के, गेट बंद करो, ये नहीं आ सकती वापस घर। खैर छोड़िए, आज वो बात उठ रही है कि नारी का आंदोलन, समाजवादी पार्टी भी उस पर नहीं बोल रही, लालू जी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां भी एक चक्कर ऐसा हो चुका है वो तेज की पत्नी के साथ, तो लालू जी की पार्टी क्या बोलेगी। लेकिन खैर मैं एक बात कहता हूं कि भैया ये चुनाव है, चुनाव बाबू भैया मिश्रा जी, ये चुनाव है, चुनाव जैसा डमरू आप बजाओगे वैसे ही उससे डबल आवाज का डमरू दूसरा बजाएगा, जान लीजिए। आपके पास जितनी बुद्धि, आपने मुद्दा चुन ढूंढ खोजा, उनके पास जितनी बुद्धि उनने खोज लिया, आप जनता तय कर देगी। आप भी मीटिंग शीटिंग करके खोज के लाए होंगे कि गुरु आपकी क्या उठाए, बोले आपकी उठा दो वोट बंद, अब चुनाव नहीं होगा। उन्हें भी मीटिंग की कि आपकी क्या उठाएं, बोले कांग्रेस आई तो घर घर ले जाएगी, मोटरसाइकिल ले जाएगी, खेत छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी और दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे देगी, ये लो पूरी आपने भेजी थी ना, उनने पूरी पे लड्डू रख के वापस कर दिया। अब क्या दिक्कत है, अब हाजमा हो तो पचाओ, नहीं जोशी जी को अब तो सब एक ही है, इंडिया गठबंधन है। कहा जा रहा सूरत में जो हुआ वो भारत में अजूबा है और उसी से साबित हो गया अब चुनाव नहीं होगा। सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहिए, जोशी जी की पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव कन्नौज से एक बार निर्विरोध हो चुकी, और डिंपल जी को छोड़ो, डिंपल जी और सूरत वाले इस प्रत्याशी से पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा लोग देश में निर्विरोध चुन लिए गए लोकसभा में। कभी चुनाव बंद नहीं हुआ जोशी जी, कभी संविधान चोरी नहीं हुआ, कभी संविधान खतरे में नहीं आया, निर्विरोध चुने जाते रहे लोग। एससी जमीर चुने गए थे, पीएम सईद चुने गए थे, बहुत सारे फारूक अब्दुल्ला निर्विरोध चुने जा चुके हैं। क्या संविधान खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, लोकतंत्र को कोई बीड़ी का बंडल समझ के जेब में रख के चला गया क्या? नहीं ना। फिर ये प्रचार क्यों, ये बात क्यों, ये बड़े विषय हैं। और मनमोहन सिंह जी ने ये कहा नहीं ककहा, किस सेंस में कहा, कितना छुपाया, ये मनमोहन सिंह जी को स्पष्ट करने दो, या मनमोहन सिंह जी का अंगूठा लगवाओ अगर दस्तखत करने की स्थिति में ना हो, और मुकदमा फाइल दायर कर दो। मैंने तो कल कांग्रेस के मित्र से कहा था, आप भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा करिए ना मनमोहन सिंह के बयान पर, साहस तो रखिए, ये अदालत में बताएंगे कि सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे, प्रमाण रखेंगे कि क्या कहा था मनमोहन सिंह जी ने। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि संविधान, जब हम इस बात की आलोचना, मैं मेरे जैसा व्यक्ति इस बात की आलोचना करता है कि
मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव होते रहना चाहिए था समय के साथ, नहीं हुआ, इससे मुसलमानों का नुकसान हुआ। क्या हिंदुओं ने किया? हिंदू कोर्ट बिल बनाया ना। तो जब हम वहां बदलाव की मांग कर रहे हैं तो संविधान को कुरान कैसे मान लेंगे? संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, आग लगा देंगे। राहुल जी कह रहे आग लग जाएगी, सॉरी। ये तर्क कौन किसके गले उतरेगा मित्र? राजीव जी ने जो संविधान में संशोधन किए, इंदिरा जी ने किए, पंडित जी के समय में हुए, मनमोहन सिंह के समय में हुए, नरसिंह राव जी के समय में हुए, तो क्या आग लग गई देश में? अरे किस देश में संविधान संशोधन नहीं होता भाई? आप उसको संशोधन बोलो, बदलाव बोलो, अमेंडमेंट बोलो, इससे क्या फर्क पड़ रहा? चीज तो एक ही है ना, कि जो पूज्य बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया और संविधान सभा ने जिसको मंजूर किया उसमें बदलाव हुआ, इसी को संविधान का अमेंडमेंट कहते हैं ना मित्र। तब कोर्ट के फैसलों से कई अमेंडमेंट आए तब। इसलिए ऐसा भी प्रचार मत करिए। इस देश में सबसे बड़ा प्रहार था लोकतंत्र में आपातकाल, और जब उसमें भी देश ने बाउंस बैक कर लिया और फिर पलटवार देश ने किया, इंदिरा जी की सत्ता गई और देश से आपातकाल हटा, और उसके बाद संविधान में ऐसी व्यवस्था। और सुनिए राज शर्मा जी, इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया इमरजेंसी में, और अगर राहुल गांधी की बात मान लेते उस वक्त जनता सरकार जब आई मुरारजी की, तो उनने पहली फुर्सत में इंदिरा गांधी ने जो बदलाव किए थे संविधान में उनको रद्द किया। आपकी बात मानते तो रद्द नहीं करते ना फिर, तो क्योंकि आपके हिसाब से तो कुरान है। दुनिया में केवल धार्मिक ग्रंथ ही ये दावा कर सकता है कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, ये ईश्वर की वाणी है। क्या देश चलाने के लिए बनी व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? समय, काल, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं बदल रही हैं देश में। उन सबको पूरा करने के लिए देश में संविधान में समय के साथ बदलाव होना चाहिए। और मुझे आज तक कोई ये बात बता नहीं पाया अशोक पांडे जी कि बाबा साहब ने किस मौके पर यह बोला कि तुम्हें मेरी कसम संविधान में हाथ ना लगाना, ऐसा कभी कोई आज तक बताया नहीं मुझे। बाबा साहब ने कब कहा कि तुम्हें मेरी कसम देखो संविधान में हाथ ना लगाना? मैंने बाबा साहब को जितना पढ़ा उसमें ऐसा अवसर आता है जब वो संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत की आने वाली पीढ़ियां समय काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करेंगी और इसको देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनाएंगी। और यही लक्ष्य होना चाहिए। एक अजब नैरेटिव बना दिया गया, बोलो संविधान बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा देश भर में आग लगेगी। ये आग की बातें ठीक नहीं। आप भी, हो सकता आप भी ज्यादा दूर निकल गए गेंद मारने के चक्कर में, राज भाई ये भी ज्यादा दूर निकल गए, ये तो बदला है। चुनाव में उधारी नहीं रहती। जब आपने घोषणा कर दी कि भारत में चुनाव बंद, तो उन्हें भी मीटिंग की कि अब हम इन्होंने चौवा मारा है तो हम छक्का तो मारें, उन्हें भी मार दिया कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, अब निपटो सुलझो। मैं मानता हूं कि देश में अपने अंदर की शक्ति इतनी ज्यादा है कि कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, वो देश की सामूहिक इच्छा शक्ति और सामर्थ्य का अवमूल्यन नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी के एपिसोड से ये बात साबित हुई। इसलिए ऐसे भय मत दिखाइए कि संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा, आखिरी चुनाव है, कोई वोट नहीं डालेगा, इस तरह के भय मत दिखाइए मित्र। आपको जीतने का भी अवसर मिलेगा, हारने का भी अवसर मिलेगा, चुनाव होते रहेंगे। नेहरू जी के समय भी हो रहे थे, राहुल जी के समय भी हो रहे, आगे भी होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी वोट देंगी। धन्यवाद।